तो बच्चों ये निकालना है मुझे 26 क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है और बोला हुआ है कि भाई ए स्क्वायर जो है ना वो बी के बराबर है, तो पहले मुझे ए स्क्वायर रखना है, इन दोनों को बी के इक्वल रख देना है एक्स की वैल्यू, फिर मुझे इक्वेट करना है और आंसर आ जाने वाला है। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ बच्चों, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ये होगा 2 12 0 1, 2 12 0 1 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा रो कॉलम 1 कॉलम 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 प्लस 12 इंटू 0 0, फिर 2 12 जा 24 प्लस 12 इंटू 1 12, ठीक है, फिर 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 12 0, 1 इंटू 1 1, तो जो आ जाएगा मेरे पे ए स्क्वायर होगा 4, ये होगा 36 0 1, तो ए स्क्वायर आया बच्चों मेरे पे इतना। अभी जो ए स्क्वायर है ना ये बी के इक्वल रखना है और फिर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पे ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है, ए स्क्वायर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 36 0 और 1 इक्वल टू, बी कितना था बच्चों मेरे पे, बी है मेरे पे 4 x 0 और 1, ठीक है, तो बस एक्स की वैल्यू आ गई है मेरे पे 36 आ गई सीधे सीधे, तो सिंपल देखो एक्स की वैल्यू 36, तो एक्स आ गया मेरे पे कितना 36, कितना इजी है ये, क्या बताएं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इजी है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इजी, आपको यकीन नहीं मानोगे आप, मैट्रिक्स इतना अच्छा चैप्टर है ना, कोई भी फेल नहीं हो सकता। आईसीएससी में बोलते हैं फूल्स फेल्स इन आईसीएसई, मेरे सर बोलते थे, बहुत ही बहुत मेरे सर थे हिस्ट्री के, वो बोलते थे कि भाई फूल्स फेल्स इन आईसीएसई, जो बिल्कुल बेवकूफ़ होगा ना वो फेल होगा इस पे आईसीएससी में। वो जो बहुत ही ईजी होती है, मतलब मैथ्स तो 10th की बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं।